आप देख रहे हैं संवेदना न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। सातपुर विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अंकित भारती ने पत्रकारों से वार्ता कर बताया कि सातपुर विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा बनाने और क्षेत्र का चतुर्दिक विकास करने का वादा करते हुए कहा कि आपकी सारी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का काम करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में सेवा भाव के साथ हमेशा सक्रिय रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये चुनाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान और लोकतंत्र बचाने के साथ ही साथ लाल टोपी के सम्मान बचाने का है। सभा में आप ऐसे प्रत्याशी हैं जो पूरे प्रदेश में सबसे युवा प्रत्याशी देखे जा रहे हैं और जाने जा रहे हैं, क्या लगता है, क्या कहता है चुनाव माहौल इस समय शायद होगा? देखिए, सबसे पहले इस अवसर के लिए मैं समाजवादी पार्टी के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इतने कम उम्र में पहली बार में उन्होंने मेरे पे भरोसा जताया। और जो माहौल के बारे में आप पूछ रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की और हमारे माननीय अखिलेश यादव जी की लहर चरम सीमा पर है और उसी प्रकार की लहर हमारे सैदपुर 374 विधानसभा में भी है। एक तरह से देखा जाए अंकित जी कि आपके सामने एक ऐसे एमएलए हैं जो पिछले दो बार से लगातार समाजवादी पार्टी से ही विधायक रहे लेकिन अब बीजेपी से ताल ठोक रहे हैं, कितनी चुनौतियां रहेंगी? देखिए, एक तो हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि ऐसा निकम्मा विधायक जिसने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया वो दल हमारा दल छोड़ के ऐसे दल में चला गया जिसने सिर्फ सबको भ्रमित करने का कार्य किया है। और जैसे जब वो पिछले बार विधायक भी इसी वजह से थे क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से विधायक के टिकट से लड़ रहे थे और जनता ने उन्हें न देखते हुए, माननीय अखिलेश यादव जी को देखते हुए उन्हें विधायक चुना था, लेकिन उन्होंने क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं किया जिसके वजह से जनता के बीच उनके लिए बहुत आक्रोश है। सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए कि सुभाष पासी जो है ये दावा लगातार कर रहे हैं कि हम तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, अंकित भारती उसको कैसे काटेंगे? ये तो देखिए, आपको आने वाले 10 तारीख को मालूम होगा कि उनकी हैट्रिक लगती है कि उनका सैदपुर से सफाया होता है। एक तरह से आप देखने में युवा भी दिख रहे हैं, समाज में जा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, तो जनता किस तरह के एक्सपेक्ट, किस तरह की उम्मीद कर रही है? सबसे पहले जो जैसा कि मैंने बताया कि जो उन्होंने पिछले बार जिस पर भरोसा जताया था वो उनके बीच कभी उनके सुख दुख में नहीं रहा। सबसे पहले उनकी प्राथमिकता ये कि आप हमारे सुख दुख में रहें। और जो क्षेत्र विकास है, चाहे वो हम स्कूल एजुकेशनल सेक्टर के लिए स्कूल की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, महिला हॉस्पिटल की बात करें, तो ये जनता मेरे से उम्मीद करते हैं कि इन सभी की चीजों में मैं उन्हें सुविधा दिला पाऊँ। सुभाष पासी लगातार दावा ये करते रहे हैं कि मैंने समाज सेवा बहुत की है और हजारों की संख्या में हमने मुंबई से जो है यहाँ डेडबॉडियां तक भेजवाई जो नहीं पहुंचना आसान था, तो इसको लेके भी वो बोल रहे हैं। सारी चीजें उनकी, हर चीज कागजों पर है, बस अगर उन्हें ये समझ में आता कि जिस वजह से जनता ने उन्हें विधायक चुना था कम से कम उनको क्षेत्र में काम करना चाहिए था। सिर्फ कागजी बातें करने से जनता का पेट नहीं भरता और उनका विकास नहीं होता है। आप खेल से भी जुड़े हैं, आपके बगल में करमपुर राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है और इस तरह से आप क्या कुछ और आगे बढ़ाएंगे खेल के लिए? बिल्कुल, मैं एक खेलकूद के बैकग्राउंड से आता हूं। मैं अंडर 16 अंडर 19 प्रदेश स्तर पे दिल्ली बोर्ड और उत्तराखंड से क्रिकेट खेला हुआ है।